मात्र 6 वर्ष की उम्र से भक्ति के सफर की शुरुआत करके आज अपनी कथाओं और प्रवचनों के माध्यम से हजारों दीनहीन व असहाय विकलांग बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दे रही तथा साथ में लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखा रही एक ऐसी कथावाचिका जिनके नाम से हर कोई परिचित है, साध्वी जया किशोरी जी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। साध्वी जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1996 में राजस्थान के मरुधर पावन भूमि के सुजानगढ़ नामक गांव में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। दादाजी एवं दादीजी के सानिध्य में रहने और घर में भक्ति का माहौल रहने के कारण बचपन में ही मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ही उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। साध्वी जी के प्रारंभिक गुरु राजधानी के अनन्य भक्त बैकुंठनाथ जी मंदिर वाले गुरुदेव पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र थे। इसके बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में साध्वी जी ने संस्कृत में शिव तांडव स्रोत, रामाष्टकम, मधुराष्टकम, रुद्राष्टकम आदि कई स्रोतों को गाकर जन जन का मन मोह लिया और 10 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने संपूर्ण सुंदरकांड गाकर लाखों भक्तों के मन में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। बचपन से ही परम पूज्य गोलोकवासी स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज की वाणी से अत्यधिक प्रभावित होकर उनकी वाणी को ही साध्वी जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनके द्वारा गाए गए नानी बायरो मायरो को अपनी मातृभाषा मारवाड़ी भाषा में तैयार किया और फिर इसे जन जन के हृदय तक पहुंचाया। साध्वी जी के तत्कालीन गुरु भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित श्री विनोद कुमार जी सहल हैं जिनसे उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा ग्रहण की है। साध्वी जी की ओर से धर्म के साथ साथ सेवा के कार्य भी होते रहते हैं। समाज के पिछड़े दीनहीन असहाय विकलांग बच्चों को सहारा मिल सके और उनके मन से हीन भावना निकल सके, इस विचार में उन्होंने अपनी संपूर्ण कथा इन बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन, भोजन व शिक्षा हेतु समर्पित कर दी है। कथा से आने वाली समस्त धनराशि को वो नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को दान कर देती है, जिससे विकलांग विवाह को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ उन्हें रोजगार और समाज में सर उठाकर जीवन यापन करने का साहस मिलता है। साध्वी जी भ्रूण हत्या को सबसे जघन्य अपराध मानती हैं और अपनी कथा में सभी लोगों से प्रार्थना करती हैं कि ऐसा जघन्य अपराध ना करें। गौ हत्या का हम सख्ती से विरोध करते हैं। गौ हत्या हमारे देश और समाज पर कलंक है। अपने प्रवचनों में इन सभी बातों पर विशेष जोर देते हुए वो भावुक हो उठती हैं। साध्वी जी के द्वारा राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कथा कहने का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसने वाले राजस्थानी भाइयों को अपनी लुप्त होती मारवाड़ी भाषा को बचाने की प्रेरणा देना है। उन्होंने एक ओर कथा के माध्यम से परिवारों को बांधने का प्रयास किया है तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में, खास तौर पर युवा वर्ग में, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति भावना को जागृत भी किया है। आज साध्वी जी देश के कोने कोने में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया है। अगर आपने अभी तक साध्वी जया किशोरी जी की कथा नहीं सुनी है तो एक बार इनकी कथा अवश्य सुनें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।